इनवॉइस लेक्चर नंबर 6 में हमने सबनेट इंक्रप्शन और इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स यानी प्लेन टेक्स्ट, सिफर टेक्स्ट, इंक्रप्शन एल्गोरिथम, डिक्रप्शन एल्गोरिथम और सीक्रेट की के बारे में पढ़ा था। टुडे और लेक्चर नंबर 7 एंड इट इज अबाउट सिमेट्रिक ब्लॉक इंक्रप्शन। इस लेक्चर में हम स्ट्रीम सिफर, ब्लॉक सिफर, ब्लॉक साइज कैरेक्टरिस्टिक्स, पैडिंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ब्लॉक सिफर और वेल नोन ब्लॉक सिफर स्कीम के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्लाइड में हम स्ट्रीम सिफर के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज अ स्ट्रीम सिफर? सिमेट्रिक इंक्रप्शन स्कीम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्ट्रीम सिफर एंड ब्लॉक सिफर। सिमेट्रिक इंक्रप्शन स्कीम्स को डिवाइड किया हुआ किस में? स्ट्रीम सिफर में और ब्लॉक सिफर में। इन स्ट्रीम सिफर स्कीम द प्लेन टेक्स्ट इज प्रोसेस्ड वन बिट एट अ टाइम, दैट इज वन बिट ऑफ प्लेन टेक्स्ट इज टेकन एंड अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड ऑन इट टू जनरेट वन बिट ऑफ सेफर टेक्स। यानी हमारे पास स्ट्रीम सेफर स्कीम में क्या होता है, जो हमारा प्लेन टेक्स होता है उसका एक बेट एक ही टाइम में क्या होगा, इनक्रप्ट होगा। ये नहीं होगा कि पूरा का पूरा टेक्स हम ले लें और एक ही टाइम में उसको क्या करें, इनक्रप्ट कर लें। इसका पहले हम एक बेट लेंगे उसको इनक्रप्ट कर लेंगे, फिर दूसरा बेट लेंगे उसको इनक्रप्ट कर लेंगे, फिर तीसरा बेट लेंगे उसको इनक्रप्ट कर लेंगे, फिर चौथा बेट लेंगे उसको इनक्रप्ट करेंगे सेफर टेक्स में एंड सो ऑन। वन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रीम सेफर इज RC4। इसका एक एग्जाम्पल हमारे पास RC4 एल्गोरिथम है, विच विल बी डिस्कस इन डिटेल इन लेक्चर नंबर 9, जो कि हम लेक्चर नंबर 9 में उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। इन स्ट्रीम सेफर टेक्स्ट इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ वन बेट आर वन बाइट लॉन्ग। हमारे स्ट्रीम सेफर में क्या होता है, जो हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है वो स्मॉल ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाते हैं और उस ब्लॉक्स का साइज क्या होगा, वन बेट होगा या वन बाइट होगा। क्योंकि मैंने अक्सर बुक्स में पढ़ा है वहाँ पे जो जिक्र है वो ब्लॉक साइज का जिक्र है वो वन बेट का है, और बास बुक्स में मैंने पढ़ा है वहाँ पे जो जिक्र है वो ब्लॉक साइज का वन बाइट का है। लिहाजा इसमें हम क्या करते हैं, प्लेन टेक्स्ट को छोटे छोटे से ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं और पे एक ही टाइम में एक ही ब्लॉक को क्या करते हैं, हम इनक्रप्ट करते हैं किस में, इनटू सेफर टेक्स्ट। अगर वो एक बेट का ब्लॉक है तो एक ही बेट को एक ही टाइम पे करेंगे, अगर वो ब्लॉक साइज हमारे पास वन बाइट का है तो एक ही टाइम पे हम एक बाइट को लेंगे और उसको क्या करेंगे, इनक्रप्ट करेंगे इनटू सेफर टेक्स्ट। हम ब्लॉक सेफर के बारे में पढ़ते हैं। इन ब्लॉक सेफर स्कीम द प्लेन बेनिटेक्स इज प्रोसेस इन ब्लॉक्स ग्रुप्स ऑफ बेट्स एट अ टाइम, दैट इज अ ब्लॉक ऑफ प्लेन टेक्स्ट बेट्स इज सिलेक्टेड, अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन आर परफॉर्म दिस ब्लॉक टू जनरेट अ ब्लॉक ऑफ सेफर टेक्स्ट बेट्स। इसमें क्या होता है, ब्लॉक सेफर में हमारे पास जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है उसको हम डिवाइड करते हैं, उसके हम छोटे छोटे से ब्लॉक्स बनाते हैं। एक ब्लॉक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ बिट्स होते हैं यानी डेटा होता है, और एक ब्लॉक में कितने बिट्स होते हैं ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, यानी कौन सा टेक्निक या एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं। अगर हम डेटा इनक्रप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिथम यूज करें तो इसका ब्लॉक साइज होता है वो 64 बिट्स का होता है, मतलब है एक ब्लॉक में हमारे पास कितने बिट्स होने चाहिए, फिर 64। अगर हम एडवांस इनक्रप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिथम यूज करें तो इसका ब्लॉक साइज कितना है, 128 बिट्स का है, तो मतलब है हमारे एक ब्लॉक में कितने बिट्स होने चाहिए, 128 बिट्स। ठीक है, जब हमने ब्लॉक्स बना दिए यानी प्लेन टेक्स्ट के ब्लॉक्स बना दिए, अब हम क्या करें, एक एक ब्लॉक लेके इंडिविजुअली उसको इनक्रप्ट करेंगे और हर ब्लॉक का फिर हमारे पास अलग अलग क्या आ जाएगा, सेफर टेक्स्ट जनरेट होगा। और एक प्लेन टेक्स्ट के कितने ब्लॉक्स बनेंगे यानी नंबर ऑफ ब्लॉक्स एक प्लेन टेक्स्ट के कितने होंगे, ये डिपेंड करता है प्लेन टेक्स्ट के साइज पे और एल्गोरिथम पे कि आप कौन सा एल्गोरिथम यूज करेंगे कर रहे हैं। अगर आप डेटा इंक्रप्शन एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं तो इसका साइज है 64 बिट्स एज कम्पेयर टू एडवांस इंक्रप्शन स्टैंडर्ड। इसके क्या बनेंगे, ब्लॉक्स ज़्यादा बनेंगे क्योंकि हमारे पास एडवांस इंक्रप्शन स्टैंडर्ड का ब्लॉक साइज क्या है, 128 बिट्स, मतलब है इसमें जो हमारे ब्लॉक्स बनेंगे एक प्लेन टेक्स्ट के वो कम बनेंगे। अगर हम डेटा इंक्रप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिथम के इसमें एक प्लेन टेक्स्ट के एल्गोरिथम पर क्या होंगे, नंबर ऑफ ब्लॉक्स ज़्यादा बनेंगे क्योंकि इसका साइज जो है 64 बिट्स का है। अब इस चीज़ को हम डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, प्लेन टेक्स्ट लिया और उसको हमने डिवाइड किया है ब्लॉक्स में, एक ब्लॉक बना दिया, दूसरा ब्लॉक बना दिया, तीसरा, चौथा और आखिर में इसका आखिरी ब्लॉक हो जाएगा। यानी हमने प्लेन टेक्स्ट को यहाँ पे क्या किया, ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है। अब क्या होगा, इसका इंक्रप्शन हम कैसे करेंगे, इंक्रप्शन प्रोसेस कैसे होगा, इंक्रप्शन प्रोसेस आपको पता है सेंडर साइड पर होता है।
अच्छा, फिर पहला ब्लॉक लेंगे, उसको एक की के साथ क्या करेंगे, इनक्रप्ट करेंगे, और इसका एक अलग साइफर टेक्स्ट ब्लॉक जनरेट होगा, ठीक है। इस तरह दूसरा ब्लॉक लेंगे, उसको भी एक की के साथ ये इनक्रप्ट करेंगे, और इसका दूसरा पेयर क्या हो जाएगा, इसका अलग साइफर टेक्स्ट ब्लॉक जनरेट हो जाएगा। इस तरह तीसरा ब्लॉक लेंगे, उसका अलग जनरेट होगा, चौथे का अलग, और आखिर में आखिरी ब्लॉक लेंगे, उसको भी एक की से क्या करेंगे, इनक्रप्ट करेंगे, और इसका भी क्या होगा, एक अलग साइफर टेक्स्ट ब्लॉक जनरेट होगा। और ये सब कुछ होगा किस साइड पे, सेंडर साइड पे। अब इसकी डिक्रप्शन कैसे होगी, ठीक है। तो डिक्रप्शन में हम क्या करेंगे, साइफर टेक्स्ट का पहला ब्लॉक लेंगे, ठीक है, और जिस की के जरिए हमने इनक्रप्शन किए, वही की लेके यानी सेम की लेके इसको क्या करेंगे, डिक्रप्ट करेंगे। जब डिक्रप्ट करेंगे तो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट का पहला ब्लॉक आ जाएगा। इस तरह हम साइफर टेक्स्ट का दूसरा ब्लॉक लेंगे और वही सेम की यूज करते हुए इसको डिक्रप्ट करेंगे, और इस तरह हमारे पास प्लेन टेक्स्ट का दूसरा ब्लॉक आ जाएगा। इस तरह तीसरा, चौथा, और फिर आखिर में आखिरी ब्लॉक लेंगे, और उसी के साथ जिस की के साथ हमने इनक्रप्शन किए, वही सेम की यूज करते हुए इसको क्या करेंगे, डिक्रप्ट करेंगे। इस तरह हमारे पास प्लेन टेक्स्ट का आखिरी ब्लॉक भी आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, टेक्निकली स्ट्रिंग सेफर्स आर ब्लॉक सेफर विद अ ब्लॉक साइज ऑफ 1 बेट आर 1 बाइट। जो हमारे पास स्ट्रिंग सेफर है वो भी तकरीबन ब्लॉक सेफर की तरह है, लेकिन उसमें जो ब्लॉक साइज होता है या 1 बेट का होता है या 1 बाइट का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। जबकि हमारे पास ब्लॉक साइफर में जो ब्लॉक साइफर में ब्लॉक साइज है वो उसके मुकाबले में काफ़ी बड़ा होता है। वो डिपेंड करता है हम कौन सा अल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं। अगर हम डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिथम से तो हमारा ब्लॉक साइज होगा 64 बिट्स का होगा। अगर हम एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिथम यूज़ करें तो हमारा ब्लॉक साइज होगा फिर 128 बिट्स का। साइज कैरेक्टरिस्टिक्स, अवॉइड वेरी स्मॉल ब्लॉक साइज। क्यों अवॉइड करना चाहिए, अ लार्जर ब्लॉक साइज मेक्स अटैक हार्डर एज डिक्शनरी नीड टू बी लार्जर, ठीक है। तो आपका जो ब्लॉक साइज है वो बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। क्यों, डू नॉट हैव वेरी लार्ज ब्लॉक साइज, विद वेरी लार्ज ब्लॉक साइज द सेफर बिकम इनएफिशिएंट टू ऑपरेट। मतलब है आपका जो ब्लॉक साइज वो बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए और जो बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए, वो मल्टीपल ऑफ 8 बिट्स होना चाहिए। क्यों, अ प्रॉपर ब्लॉक साइज इज मल्टीपल ऑफ 8 बिट्स एज इट इज इजी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ये क्योंकि इसके इम्प्लीमेंटेशन फिर आसान हो जाते हैं। क्यों आसान हो जाते, मोस्ट कंप्यूटर प्रोसेसर हैंडल डेटा इन मल्टीपल ऑफ 8 बिट्स। यानी हमारे पास जो ब्लॉक साइज है वो बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 8 बिट्स होना चाहिए, क्योंकि उसके इम्प्लीमेंटेशन पर क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। क्यों आसान हो जाती है, मोस्ट कंप्यूटर प्रोसेसर हैंडल डेटा इन मल्टीपल ऑफ 8 बिट्स। पैडिंग क्या है, पैडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग बिट्स टू द लास्ट ब्लॉक इज रेफर टू एज पैडिंग। यानी इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा प्लेन टेक्स्ट का लास्ट ब्लॉक होता है उसमें हम कुछ इजाफी बिट्स एड करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम पैडिंग कहते हैं। और ये क्यों करते हैं, और ये मेथड कब यूज होता है, पैडिंग मेथड इज यूज व्हेन द लेंथ ऑफ प्लेन टेक्स्ट इज नॉट मल्टीपल ऑफ ब्लॉक साइज। यानी जो हमारा प्लेन टेक्स्ट का साइज हो वो मल्टीपल ऑफ ब्लॉक साइज नहीं होता, न हो, तब जाके हम क्या यूज करेंगे, पैडिंग मेथड यूज करेंगे, और उसमें कुछ इजाफी क्या करेंगे, बिट्स लगा के उसको मल्टीपल ऑफ ब्लॉक साइज बना देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो, हम सपोज करें कि हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट है वो 98 बिट्स का है, और हम अल्गोरिथम यूज करें डेटा इनक्रप्शन स्टैंडर्ड अल्गोरिथम, और इसका ब्लॉक साइज आपको पता है 64 बिट्स का है। मतलब है ये 98 बिट्स इसके मल्टीपल नहीं है, क्योंकि अगर हम 110 लेते हैं तो 64 हो जाता है, अगर 2 टाइम लेते हैं तो वह 128 हो जाता है। मतलब है ये से ज़्यादा हो जाएगा। आप क्या है, इसका एक ब्लॉक तो हमारे पास आसानी के साथ बन जाएगा, एक ब्लॉक बन जाएगा तो हमारे पास कितने बिट्स रह जाएंगे, 98 माइनस 64, तो कितने रह जाएंगे, 34 बिट्स रह जाएंगे। तो अब इसको हमने मल्टीपल
अब ब्लॉक साइज बनाना है यानी 64 बनाने हैं, मल्टीपल इसका इक्वल बनाना है, तो हम क्या करें इस सूरत में, क्या करते हैं हम इसके साथ 30 रिडंडेंट एक्स्ट्रा बिट लगाते हैं, लगाते हैं और इसको क्या बनाएंगे 64 के इक्वल। अब ये क्या हो जाएगा 64 के इक्वल हो जाएगा, अब इसके दो ब्लॉक्स बन जाएंगे और ये जो एक्स्ट्रा बिट्स लगाते हैं इसके साथ इसको हम क्या कहते हैं पैडिंग, इस मेथड को हम क्या कहते हैं पैडिंग। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्लॉक सेफर, एडवांटेजेस आप है हाई डिफ्यूजन, हाई डिफ्यूजन क्यों है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लांट सैंपल इज डिफ्यूज इनटू सेवरल सेफर टेक सैंपल, इससे ये क्या है हाई डिफ्यूजन है। दूसरा एडवांटेज इसका क्या है इम्यूनिटी टू टेम्परिंग, डिफिकल्ट टू इंसर्ट सैंपल्स विदाउट डिडक्शन, यानी विदाउट डिडक्शन हम इसमें कोई सैंपल इंसर्ट नहीं कर सकते। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है स्लोनेस ऑफ इंक्रप्शन प्रोसेस, क्यों स्लो है क्योंकि ब्लॉक्स पर हम पहले प्लेनटेक्स के ब्लॉक्स बनाते हैं, फिर हर ब्लॉक को फिर क्या करते हैं अलग अलग से इनक्रप्ट करते हैं, इसलिए इसका ये प्रोसेस क्या होता है इसलिए स्लो होता है, ये प्रोसेस क्या होता है ये स्लो होता है क्योंकि पहले ब्लॉक्स बनते हैं फिर वो इनक्रप्ट होता है, इसलिए स्लो होता है ये प्रोसेस इनक्रप्शन का। और फिर हमें दूसरा डिसएडवांटेज का क्या है फिक्स ब्लॉक साइज रिक्वायर है, अभी लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था हमारा जो डेटा था 98 बिट्स का था, जो हमारा ब्लॉक जो एल्गोरिथम का ब्लॉक साइज था वो 64 बिट्स का था, तो उस सूरत में हमने क्या किया था पैडिंग की थी, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा बिट्स लगाए थे, इसलिए लगाए थे क्योंकि हमारा एल्गोरिथम है वो फिक्स ब्लॉक साइज पे डिपेंड करता है, यानी जो हमारे एल्गोरिथम है वो फिक्स ब्लॉक साइज यूज करते हैं। अब थर्ड डिसएडवांटेज का क्या है एरर प्रोपेगेशन, एरर प्रोपेगेशन इसमें क्या होता है इन एरर इन वन सैंपल में करप्ट एंटायर ब्लॉक, इसमें क्या होता है कि किस ब्लॉक में एक ही एरर आ जाए तो हमारा क्या होता है एंटायर ब्लॉक क्या हो जाता है करप्ट हो जाता है, यानी हमारा जो सारा ब्लॉक है उसका डेटा जया हो जाता है। ब्लॉक सेफर स्कीम्स इसमें पहले आ जाता है डेटा इंक्रप्शन स्टैंडर्ड, इसको किसने डिवेलप किया था डिवेलप बाय IBM एज सबमिशन टू US नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड, और ये ब्लॉक साइज इसका कितना है 64 बिट्स का ब्लॉक साइज है, और ये इंक्रप्शन के लिए कितने की यूज करता है 56 बिट की यूज करता है। इट इज नाउ कंसीडर्ड एज ब्रोकन ब्लॉक सेफर बिकॉज इट इज यूजिंग वेरी स्मॉल की साइज, इसका की साइज है वो बहुत छोटा है इसलिए ये आसानी के साथ क्या हो जाता है ब्रेक हो जाता है, इसलिए ये आप बहुत कम यूज होता है बल्कि यूज नहीं होता, इसकी जगह दूसरे एडवांस इंक्रप्शन एल्गोरिथम हैं वो यूज होते हैं। ट्रिपल DES ये एक वेरिएशन है किसका DES एल्गोरिथम का, क्यों बना था ये क्योंकि जो DES एल्गोरिथम है वो क्या यूज करता है हमारे पास 56 बिट की यूज करता है और वो आसानी के साथ ब्रेक हो जाता है। अब हमारे पास ट्रिपल DES कैसे काम करता है इट बिकम कॉमन टू रन प्लेन टेक्स्ट थ्रू 3DES encryption in sequence each using different key, यानी इसमें क्या होता है जो हमारा plain text है उसको गुजारा जाता है 3DES encryption in sequence में, और हर sequence के लिए हम क्या करते हैं अलग अलग encryption के लिए अलग अलग key use करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है advanced encryption standard, advanced encryption standard was developed by two Belgium क्रिप्टोग्राफर जॉन डीमन एंड विंसेंट रिचमंड एज सबमिशन टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर कंपटीशन टू रिप्लेस DES, क्योंकि DES जो हमारे पास है वो इतना सिक्योर नहीं था क्योंकि उसका हमारे पास जो की साइज था वो बहुत छोटा था 56, तो उसको रिप्लेस करने के लिए फिर ये एल्गोरिथम बना और ये क्या कितना यूज करता है ब्लॉक साइज 128 का ब्लॉक साइज यूज करता है और की साइज इसकी क्या है 128, 192 और 256 बिट्स की यूज करता है और उसका ये सिक्योर है। फ्लो बेस ये हमारे पास 64 बिट ब्लॉक साइज यूज करता है और की लेंथ है फ्रॉम 1 टू 448 बिट्स। इस तरह हमारे पास टू पेज है, टू पेज इज बेस्ड ऑन अपॉन द फ्लो बेस एल्गोरिथम, टू पेज यूजेस द ब्लॉक साइज ऑफ 128 बिट्स एंड मैक्सिमम की साइज 128 बिट्स एंड इट इज फ्रीली यूजेबल बाई एनी वन। फॉर
For more detail, you can use the following related links. Thank you.